अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अल्लाह सरा। उम्मीद आप सब खैर ऑफिस से होंगे। और अभी फ़िलहाल हमारा इरादा है बीच पे जाने का, तो सोचा अरीशा की कार लेके चलते हैं। पर अरीशा की कार हमने लास्ट टाइम कैसे फिट की थी बिल्कुल हमें आइडिया नहीं है। और ये जो इसका पोर्शन है ना फ्रंट का, ये बहुत ब्रॉड है, तो अंदर ये पता नहीं कैसे हमने इसको फ़िट किया था लास्ट टाइम, बिल्कुल हमें याद नहीं है। ऐसे बैंड नहीं हो पा रही है, ऐसे ऐसे नहीं, लंबे लंबे नहीं हो पा रही है। स्टीयरिंग अटक जाता है ना। अच्छा तो एक मिनट हटाओ जरा सामान। आपको भी नहीं याद है कि लास्ट टाइम हमने कैसे फिट किया था? मतलब लेके तो गए थे ना, और इसमें ही कार की डिग्गी में पता नहीं कैसे लग गया था कि लास्ट टाइम थोड़ा मुश्किल हुई थी पर एडजस्ट हो गई थी, पर इस दफ़ा तो अंदर ही नहीं जा रही है। पर होपफुली अभी इसको कैसे भी हम फिट करते हैं, और अगर फिट नहीं हुई तो फिर बिना कार के जाएंगे। पर अगर फिट हो गई तो फिर आपसे हम लोग मिलते हैं दरीन बीच पे। तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, थोड़े से स्ट्रगल के बाद हमने भी फिक्स कर लिया, और अरीशा रेडी हो गई अपने कार में रखने के लिए। मेरे ख्याल से वो भी ले लो, ब्लैंकेट भी बंद हो गई क्या बैठने के लिए? आज हमने इरादा बनाया था कि हम शाम में ही बाहर निकलते हैं, क्योंकि फिर अंधेरा हो जाता है ना, तो कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आता बाहर। हाँ ठीक है, पहले हम लोग यहाँ पे वॉक कर लेते हैं, और उसके बाद से फिर दारीन हिल्स की तरफ जाके बैठ जाएंगे। हाँ, मेरे बैग में। अगर जुबेर में आपको कोई जगह विज़िट करनी है तो ये दरीन एरिया ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत है और आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक तो यहाँ पे आपको बीच एरिया भी मिलेगा, दैट इज़ कॉर्निश, और यहाँ पे हिली एरियाज़ भी है, तो ये बहुत ही खूबसूरत है शाम के टाइम भी और रात के टाइम भी। तो लास्ट टाइम हम आए थे दरीन हिल्स पे, उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी डाली है, तो वहाँ पे हम लोग रात के टाइम पे आए थे, और वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत लाइटिंग वगैरह है, फ्लावर्स लगाए हुए हैं, तो बहुत ही प्यारा एरिया है रात के टाइम विज़िट करने के लिए। पर हमें इस दफ़ा आना था बीच पे, और कॉर्निश का मज़ा तभी आता है जब हम शाम में वहाँ पे आए, तो इस दफ़ा हमने इरादा बनाया कि शाम में आते हैं, और ये भी बहुत खूबसूरत है, आप बहुत इंजॉय कर सकते हैं। बीच एरिया है, इस वजह से शाम के टाइम यहाँ पे वाटर एक्टिविटीज़ भी बहुत हो रही है, बच्चे स्विमिंग वगैरह भी बहुत कर रहे हैं, दिख रहे होंगे सामने, और बहुत ज़्यादा क्राउड है आज। तो मेरे ख्याल से बीच एरिया है ना, इस वजह से शाम में ज़्यादा पब्लिक है यहाँ पे। अब तो रिशु की कार फंस गई है, अब क्या करेंगे, रेत में फंस गई रिशु की कार। ओ रिशु, चल पीछे आके चेक करते हैं। ओ ओ ओ, निकल गई। हाँ, अब आगे लेके जाओ। आयशु ऑफ राइडिंग कर रही है, वहाँ पे जाएंगी ऊपर टॉप पे। चलो ऊपर ऊपर चलते हैं। बीच से हम आ चुके हैं ऊपर, ये टॉप एरिया बनाया हुआ है, यहाँ पे वॉकिंग स्पेस है, और बच्चों के लिए स्लाइड्स वगैरह बनाए हुए हैं। अरीशा अपने अब्बा के साथ वहाँ पे स्लाइड पे गए हुए हैं, उनको मेरे साथ नहीं जाना था स्लाइड पे, अब्बा के साथ जाना था, तो वो स्लाइड पे हैं, और मैं यहाँ पे बैठी हूँ। आज तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गर्मी है और ह्यूमिड भी बहुत ज़्यादा है, पर फिर भी अच्छी खासी क्राउड है, मैक्सिमम बच्चे लोग आए हुए हैं जो स्विमिंग कर रहे हैं। हाँ, तो कैसा रहा? बहुत ही टायरिंग, बहुत टायरिंग। आज धूप काफ़ी ज़्यादा हो गई है, और एक तरीके से गर्मी की बहुत शदीद वाली गर्मी की शुरुआत हो गई है, तो बस। लेकिन तो एक चीज़ तुमने नोटिस किया है, जैसे मतलब कि छाँव में कहीं भी जा रहे हैं हम लोग, हाँ, शैडो में तो मौसम अच्छा है, लेकिन डायरेक्ट ये सन पे हाँ बहुत गर्मी है। तो अरीशा वहाँ पे खेल रही है, उनको एक जगह पे खेलना भी नहीं है, उनको हर जगह पे चेंज करते रहना है। हाँ भी अरीशा, बाकी इतनी गर्मी में तुमने प्लान कैसे बनाया? मैंने बस ऐसे ही इरादा बना लिया था कि चलो चलते हैं, आज वीकेंड है तो कहीं दिन में निकलते हैं, बस ऐसे ही, पता नहीं था इतनी गर्मी है, तो अब तो निकलना मुश्किल हो जाएगा नेक्स्ट फ्राइडे से, तो समझो ये लास्ट फ्राइडे हमारा दिन में आउटसाइड। करेक्ट, अब तो मैं निकलूंगा नहीं कहीं। आज हम इतनी मुश्किलों से कार लेके आए हैं कि अरीशा यहाँ पे ड्राइव करेंगी, तो आज अरीशा को झूला झूलना है, वो यहाँ पे जाके बैठी धूप में एकदम गर्मी में, उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना। जिस दिन अरीशा के लिए जो सामान नहीं रहता ना, वो चाहिए होता अरीशा को, क्या है धूप में खड़ी है। आज उसने पता है मैचिंग स्लीपर पहनी, मैंने बोला शूज़ पहन लो, तो कह रही नहीं स्लीपर पहनना है।
आज अरीशा स्लीपर पहन के आई हुई है ना, तो काफ़ी देर से वो परेशान है। जब वो ऊपर जा रही है तो ब्लॉक में से उसकी स्लीपर फंस के गिर जा रही है, तो बार बार वो आधा रास्ता जा रही है फिर उतर के आ रही है, फिर आधा रास्ता जा रही है फिर उतर के आ रही है। इस बच्चे ने काफ़ी देर से अरीशा को देखा कि वो परेशान है, तो वो आके अरीशा को स्लीपर पहना रही है। सो अब हमारे यहाँ से निकलने का वक्त आ गया है और हम इस एरिया में थे, ये जोन 2 में थे, ये कॉर्निश एरिया है यहाँ का दरीन बीच। बस अब यहाँ से निकलते हैं। लेकिन शाम के टाइम आना चाहिए यहाँ पे। हाँ, कितने टाइम कुछ खास नजर नहीं आएगा, टाइम कुछ नजर नहीं आएगा क्योंकि सामने ब्रिज है और अरीशा के लिए स्टॉलर तो लाना जरूरी है। हाँ, वरना अरीशा गोदी में आ जाती। और ये तो काफी अच्छा बना लिया है, अभी रिसेंटली ये बनाया हुआ है और हम अभी आए नहीं है यहाँ पे, अभी रास्ते में से जा रहे थे तो सोचा कि एक दफा इधर भी देख लें क्या बनाया है रिसेंटली। और बहुत ही अच्छा व्यू है, पर सिर्फ शाम में आना चाहिए था यहाँ पे। हम किसी दिन आएंगे शाम में, अभी तो बस ऐसे ही देख के जाने के लिए आए कि देखें एक्चुअली यहाँ पे है क्या। वो ग्रिलो भी है, ज़ूम करो। हाँ ओके, जब किसी दिन ग्रिलो आना होगा, दिख नहीं रहा है वैसे, जब किसी दिन ग्रिलो आना रहेगा ना तब इंशाल्लाह आएंगे इधर। बहुत प्यारा है, मतलब यहाँ पे अपना बैठ जाओ, इधर बनाया हुआ ऐसे बॉक्स बॉक्स, उसके बाद से इंजॉय करो मोमेंट। अरीशू कैसा लगा? हाँ ओके ओके, नो प्रॉब्लम, राइट के पास जाते जाते हमने सोचा कि ग्रिलो से हम शॉर्मा ले लेते, और पता नहीं था कि यहाँ पे बच्चों का प्ले एरिया, अरीशा ने जो आफत किए यहाँ पे कि मैं क्या ही बताऊँ, अब उसको बस लेके जा रहे हैं डिस्ट्रैक्ट करके यहाँ से। यहाँ का सबसे बेस्ट पार्ट मुझे ये ब्रिज लगा, जो कि वो लोअर ग्राउंड को फर्स्ट फ्लोर से कनेक्ट करिए ये ब्रिज, और हवा काफ़ी तेज़ चल रही है तो ये बहुत ही यहाँ पे अच्छा लग रहा है। सो मुझे सबसे प्यारा यही लगा अभी तक के ये पूरे एरिया में। अभी हम लोग अपनी पार्किंग की तरफ जा रहे थे कि मैंने ये कार देखी, पहले तो मुझे ये लगा किसी बच्चे की कार है, पर मतलब ये किसी बच्चे की कार नहीं है, ये अभी किसी बंदे ने सामने से पार्किंग से हटा के यहाँ पे पार्क किया है, मतलब मैं देख के हैरान रह गई। और अब आगे बारी घर जाने की, इसी के साथ साथ व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। व्लॉग अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल नोटिफिकेशन ऑन, जिससे आपको नेक्स्ट व्लॉग का अपडेट पता चल जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे अपडेटेड, स्टे ट्यून, बाय बाय, विल सी यू इन आवर नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।